हेलो एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लगदाता इवेंट्स। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं गोल मार्केट से। जी हां, गोल मार्केट में हम लोगों की आज कॉमन सेंस चेक करने वाले हैं। कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल पूछेंगे उनसे और जो जवाब देंगे उनको पासिस मिलेंगे लगदाता इवेंट्स की तरफ से 27 दिसंबर को होने वाले शो की। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हां, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तब आप हमें जरूर याद करेंगे। तो आइए देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें हमने आपको बताया कि जब कोई आदमी छींकता है तो उसकी दिल की धड़कन 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाती है। उम्मीद करते हैं आपको नॉलेज मिली होगी हमारे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लोगों के पास चलते हैं। एक आसान सा सवाल हम उनसे कॉमन सेंस वाला पूछने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। जी हाँ, ये एक कॉमन सेंस वाला सवाल है जो हम गोल मार्केट में आए कुछ लोगों से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं या नहीं। नाम बता दे सर अपना। नहीं मेहमत सर, कॉमन सेंस है आप में? हाँ क्यों नहीं है, कॉमन सेंस तो सब में। नहीं, सब में तो होती है ना, पर इस्तेमाल नहीं ना करते सब। आप इस्तेमाल करते हो? नहीं, जिससे जिसमें जितनी होगी वो उतना करेगा इस्तेमाल। आप में कितनी एक्सपोजर होगा उतना? आप में कितना एक्सपोजर है सर? हम में है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है? हाँ। चलो एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। हवा? हवा कैसे सर? हवा तो कोई चीज़ थोड़ा ना हुई, सॉलिड चीज़ है कोई। अच्छा सॉलिड है। जी दोस्तों, इस वक्त हम गोल मार्केट में लोगों की कॉमन सेंस को चेक कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अपना नाम बता दे सर आप। नाम बता दे सर। गोरीलाल। सर कॉमन सेंस है आप में? हैं? कॉमन सेंस क्या? कॉमन सेंस है नहीं है, मतलब सोचने समझने की सेंस होती है ना, कि मतलब सोच समझ के बंदा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना आपने। अच्छा अच्छा, सोच समझ के दे सकते हो? देखते हैं। दे सकते हो? आपको यकीन है वैसे अपने पे? यकीन अभी रास्ते में क्या यकीन होगा हमें, इधर रास्ते में यकीन नहीं हो सकता। चलो एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सेंस वाला। सर बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है पर वो अपनी जगह से हिलती नहीं है? हमें नॉलेज ही नहीं इसकी। नहीं, नॉलेज तो सर किसी को भी नहीं थी। कॉमन सेंस वाला सवाल जी। नहीं, कॉमन सेंस वाला सवाल है सर, थोड़ा सोचोगे आपको पता चल जाएगा। नहीं नॉलेज है, कोई आइडिया नहीं है। पक्का? पक्का। चलिए इनको तो आइडिया नहीं, किसी और के पास चलते हैं। नाम बता दो सर अपना। राजन। क्या करते हो आप? सब्जी बेचना। सब्जी बेचते? कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस है नहीं। नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसे हम लोग बेचते हैं, कमाते हैं। नहीं तो सब्जी बेचते हो, कॉमन सेंस नहीं होती फिर? एक सवाल पूछूंगा आपसे कॉमन सेंस वाला। बोलोगे? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? इंसान होगा और क्या हो? इंसान कैसे होगा? इंसान होगा और क्या हो? इंसान कैसे होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। कॉमन सेंस आप में? लगता तो है। लगता है? कैसे लगता है? मुझे विश्वास है कि ज़्यादा नहीं, कोई थोड़ी तो है। थोड़ी तो है विश्वास है आपको कि आप में कॉमन सेंस है? किसने आज तक बताया किसी ने कि आपको कॉमन सेंस है? बताया तो किसी ने नहीं है, मगर पता तो लग तो जाता ही है। कैसे? मुझे लगता है कि है। अच्छा आपको लगता है। कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा एक, अब आसान सा सवाल होगा कॉमन सेंस वाला। अगर आप जवाब देते हो आपको टिकट मिल जाएगी लगदाता इवेंट्स की तरफ से जो 27 दिसंबर को शो होने वाला उसकी। ठीक है, आप जवाब देंगे? चलिए सवाल हमारा ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है पर वो अपनी जगह से हिलती नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है मैं अपनी जगह से हिलती नहीं है? सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है। नहीं, अगर मुझे लगता है थोड़ा सोचो, हाथ ऊपर करता हूँ तो नीचे भी आता है, तो मतलब हाथ तो वहीं का वहीं है ऊपर नीचे हो रहा है।
थोड़ा सोचो सर, कॉमन सेंस वाला सवाल है। ऊपर भी जाती नहीं, हवा। हवा नहीं सर, हवा चीज छोड़ना, कोई सॉलिड चीज है, कोई सॉलिड चीज है, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, अपनी जगह से भी नहीं हिलती। अपनी जगह से भी नहीं हिलती, क्या बात है। क्या हो सकता है ये, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। हिलती भी नहीं है सर। अर्थ सर, कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के टाइम में? कॉमन सेंस तो आजकल लोगों में कम ही दिखाई देती जा रही है। दिखाई भी देती है कॉमन सेंस? दिखाई नहीं, जैसे देखने में तो बंदा देख ही लेता है। देखने में देख ही लेता है बंदा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप आए हो चेक करने सबकी कॉमन सेंस। अच्छा, हम तो देख रहे हैं लोगों की कॉमन सेंस कितनी है उनमें। जी जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। जी पूछो, दो पूछो। दो नहीं सर, एक ही पूछूंगा। एक ही पूछो। चलिए एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? फुटबॉल। फुटबॉल कैसे सर, वो तो हिलता है ना अपनी जगह से। सर इंसान ही हो गए। इंसान कैसे होगा सर, आगे पीछे हिलता है, अपनी जगह पे रहता ही है। नहीं नहीं सर, इंसान नहीं है, सॉलिड चीज़ है, कोई थिंग है। अच्छा, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, अपनी जगह से भी नहीं हिलती। कोई आइडिया नहीं सर? नो। आपको आइडिया सर कुछ? क्या सर? ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से भी नहीं हिलती? आगे पीछे भी घूमते हैं? नहीं, आगे पीछे नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। छाया। छाया है वो? छाया। छाया है। नहीं सर, कुछ हो रहा है। तो क्या हो सकता है, आगे ऊपर नीचे जाती है अपनी जगह से नहीं हिलती? अपनी जगह से। धरती? धरती नहीं है सर कोई। हर दिन हम यूज करते हैं उस चीज को। मोबाइल? मोबाइल कैसे ऊपर नीचे जाएगा? आंखें? आंखें कैसे? पानी? नो। ऊपर भी जाती है नीचे जाती है खुद को? खुद सर हम हिलते भी तो है ना। हाँ, हिलनी नहीं चाहिए वो चीज़। हिलनी नहीं चाहिए वो चीज़। ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी? बाल हो गए। बाल कैसे हो गए सर? बाल उड़ेंगे तो हिलेंगे नहीं, बट हिलेंगे तो ऊपर नीचे जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती, वो स्टेबल रहती है वहीं पे। ऊपर नीचे जाती है? ऊपर नीचे जाती है। कॉमन सेंस वाली चीज़ है सर, छोटो। डेली यूज करने वाली? डेली यूज करते हैं हम, हर दिन हर बंदा यूज करता होगा। हर बंदा यूज कर रहा होगा। हाँ, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है? ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। कपड़े भी हो गए? अगर इस बात का आप सही जवाब दोगे सर, आपको लगदाता इवेंट की तरफ से एक टिकट भी मिलेगी 27 दिसंबर को होने वाले शो की। ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। सन? सूरज? नहीं सर, सूरज नहीं है। आता भी है जाता भी है तो जगह से हिलता भी तो है ना सर। नहीं, सूरज तो स्टेशनरी है, वो कहाँ है? वो अपनी जगह पे रहता है। हाँ, वो पर कोई सॉलिड चीज़ है हमारी दुनिया में ही, मतलब हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उस चीज़ को। नहीं आइडिया, आप ही बता दो। चलो आपको आइडिया नहीं है? नहीं। चलिए इनको आइडिया नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। चलते हैं कुछ और लोगों के पास। एक चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। ये तो पहली होगी ना? पहली नहीं है सर, आसान सी चीज है, हर दिन हम यूज। कॉमन सेंस सुनना ही है। कॉमन सेंस है सर, हर दिन आप इस्तेमाल करते हो उस चीज को। हर इंसान हर दिन इस्तेमाल करता होगा लगभग। टाई? हां टाई। क्या सर? टाई? नहीं टाई नहीं है सर। ये जी ऊंचा बोलो ना। पानी? नहीं नहीं पता नहीं भैया। नहीं पता आपको? कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं है। पक्का? पक्का। चलिए इनको कोई आइडिया नहीं, बात करते हैं कुछ और लोगों से। एक चीज है ना कोई जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। पता नहीं, इंसान हो और क्या हो। इंसान नहीं हिलता अपनी जगह से? चलता तो है, ऊपर थोड़ी जाता है नीचे थोड़ी जाता है, जहाँ पे वहीं पे ना है। एक चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। पता नहीं। नहीं पता? कोई आइडिया नहीं है? पक्का? चले इनको आइडिया नहीं है, किसी और के पास चलते हैं और देखते क्या होता है उनको इस सवाल के जवाब का कुछ आइडिया हो।
ऊपर भी जाती है, वो नीचे भी आती है, पर उसको वो अपनी जगह से नहीं हिलती। सोचना पड़ेगा। सोचिए, टाइम मिल सकता है ना? टाइम जितना मर्जी लो आप। ऊपर भी जाती है, नीचे भी, मैं चीज उधर की उधर ही है। उधर की उधर ही है वो। छत, छत, ये कौन सी चीज बोल रहे हो आप? पानी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं फिलहाल तो। आपको है आइडिया सर? बोलिए। सीढ़ियाँ। क्या बात, करीब पहुंच गए हो आप, छत के करीब ही है। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। ये आपने कॉमन सेंस लगाई है। हाँ, तो सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, सीढ़ियाँ वहीं के तो वहीं हैं। ठीक है जी, इन्होंने कॉमन सेंस लगा लिए, इसलिए इनको जो जवाब इनका था वो सही है और इनको टिकट मिल जाती है लगता था इवेंट्स की तरफ से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लक दाता इवेंट्स। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से वो हिलती नहीं है। ये कॉमन सेंस वाला सवाल था जो हमने एक गोल मार्केट में आए लोगों से पूछा था। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है सीढ़ियां। जी हां, सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं नीचे भी आती हैं पर अपनी जगह से वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा सवाल लोगों से पूछेंगे कि 0 से लेके 100 के बीच में कितनी बार लेटर ए आता है। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि 0 से लेके 100 के बीच में कितनी बार लेटर ए आता है। तो चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो इस सवाल में अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं या नहीं। नाम बता दे सर अपना। अंकुर। कहाँ के हैं सर आप रहने में? दिल्ली। दिल्ली। सर कॉमन सेंस है आप में? हाँ। कितनी? 5। 5 मतलब? 5.0। 5.0 कॉमन सेंस तो काउंट ही होगा ना, किसमें होगा है? ये 5.0 में आप कॉमन सेंस काउंट करते हो? हाँ। चलिए, 10 में से। चलिए एक कॉमन सेंस वाला सवाल आपसे मैं पूछूंगा। 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? ए, एक बार। कैसे? अल्फाबेट का ए तो एक बार ही आएगा। नाम बता दे मैम अपना। तानिया। कॉमन सेंस है आप में? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ। ये किसने बताया आपको? सबने बताया। क्या बोलते हैं सब की बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है? चलिए कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आसान सा। हाँ बोलो। अच्छा बताइए 0 से लेके 100 के बीच में कितनी बार लेटर ए आता है? सर बताइए 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? 0 से लेके 100 तक अल्फाबेट ए में कितनी बार आता है? ए कितनी बार आता है 100 तक? मेरे हिसाब से तो 10 बार से ज्यादा आता है। अब आप कुछ सोचो कितनी, अगर एग्जैक्ट बार बता दोगे आप फिर जीत जाओगे। जल्दी बताइए सर, टाइम निकल रहा है। क्या नहीं बता दो? 10। 10 बार आता है? हाँ। पक्की बात है? आइडिया मेरा। आपकी कॉमन सेंस कह रही है कि 10 बार आता है? हाँ, बिल्कुल। चलिए इनकी कॉमन सेंस कह रही है कि 10 बार अल्फाबेट ए आता है 0 से लेके 100 के बीच में। बात करते हैं कुछ और लोगों से। लेटर ए कैसे आएगा? मेरे को तो मतलब जैसे 1, 2, 3 ऐसे होता ना, अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा आता है। खुद आप एग्जैक्ट बता दो कितना आता है। नहीं, ये तो मैथमेटिकली हो गया ना, 1 से 100, तो ए कैसे आएगा? नहीं सर, मैथमेटिकली नहीं, हम बोल रहे लेटर जैसे होता है ना, O, N, E, 1, T, W, O, 2। अच्छा, वैसे उसमें 0 से लेके 100 तक अगर हम करें तो ए कितनी बार आता है? सर वो कोई श्योर नहीं है कितनी बार आता है, पता नहीं इसका। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि 10 बार से शायद ज्यादा आता है। अच्छा, तो आपकी थोड़ा एस्टिमेट बता दो कितनी कितनी बार आता होगा। मेरे हिसाब से 2-3 बार। 2-3 बार आ जाता है? 10 बार नहीं आता? नहीं आता। चलिए इनके हिसाब से 2-3 बार आता है, 10 बार नहीं आता। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर बताइए 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? अल्फाबेट अल्फाबेट ए होता है ना, A, B, C, D, A, वो कितनी बार आता है 0 से 100 के बीच में? मतलब तो 10 बार आएगा ना। 10 बार आ जाएगा? 10 में ही है। 10 ही है? जवाब 10 है इसका? मान जाए आपकी बात, 10 ही है, मुझे लगा 10 ही है। चलिए इनके हिसाब से 10 बार आता है। सर 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? 0 से लेके 100 तक मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा आता है शायद। अल्फाबेट
कोई आइडिया तो नहीं है खास? आइडिया तो सर किसी को भी नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। कितनी एग्जैक्ट कितनी बार आता है वो आपने बताना? कैसे 1-2 करके? 1-2 से 1 से लेके 100 के बीच में। सो सकता हूँ ना? सोचिए सर। एक बार आएगा मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा आता शायद। 1 पूछ रहे हो आप या अल्फाबेट का? ए। ए एक बार ही आएगा। 10 बार से ज्यादा नहीं आएगा? नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 बार से ज्यादा तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ। पक्की बात? पक्की बात है। चलिए इनके हिसाब से एक ही बार आएगा, एक बार से ज्यादा आएगा ही नहीं। बात करते हैं 100 लोगों से। नाम बता दे सर अपना। मेरा नाम सुभाषचंद्र। सर आपसे, आप में कॉमन सेंस है? इतनी नहीं यार, बूढ़ा आदमी हूँ। बूढ़े आदमी में कॉमन सेंस नहीं होती? नहीं। चलिए एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। कॉमन सेंस का मतलब क्या है मेरे को ये भी नहीं पता। अच्छा ये भी नहीं पता। कॉमन सेंस होती है सर सोचने समझने की सेंस है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देंगे जो हम सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक, कॉमन सेंस। हाँ अब समझ आई ना। चलो एक सवाल पूछूंगा आपसे। सवाल हमारा ये है सर कि 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? ए कितनी बार आता है? एक या ए? ए ए 100 से लेकर 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? ए आता ही नहीं है आता सर। ओ एन ई 1 TWO 2 इस तरीके से अगर करें हम 100 तक तो ए कितनी बार आता है? 10 बार। मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा आता है। और 18 बार, कहीं डबल भी आ जाता है। डबल भी आ जाता है? कहाँ कहाँ डबल आता है सर बताया तो आज। ये आएगा जहाँ शुरुआत में जाए लास्ट में, जैसे 85 हो गया उसमें 2 डिजिट्स हैं तो वहाँ पे डबल आ सकता है। जैसे डबल 88 आता है ऐसे वो भी आ सकता है। आ जाता है? आएगा। चलिए आपके हिसाब से डबल भी आ सकता है? हाँ डबल भी आ सकता है। ये कॉमन सेंस कह रही है। चलिए इनके हिसाब से डबल बार भी ये आ सकता है, पर 10 बार तो कम से कम आएगा ही आएगा। कॉमन सेंस सर आज के टाइम में है लोगों में? लोगों में है लेकिन कम है। कम है? पहले से कम हो गई है? पहले से कम है। चलो आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कॉमन सेंस वाला। सर बताइए 0 से लेके 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? 0 से लेके 100 में कहाँ आता है? आता सर जैसे ओ एन ई 1 हो गया, TWO 2 हो गया, अल्फाबेट ए कितनी बार आता है? मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा आता शायद। नहीं आता। सोच लो सर एक बार। नहीं आता। 1 2 3 4 85 86 किसी में नहीं आता? कहीं पे भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। पक्की बात है सर? पक्की बात है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहाँ आता है बताओ, कहाँ आता है? आपको क्या लगता है नहीं आता? नहीं आता। चलिए इनको लगता है 0 से 100 के बीच में अल्फाबेट ए एक बार भी नहीं आता। जैसे होता ना 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग में, मतलब लेटर ए कितनी बार आता है? मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा आता है। ए आता ही नहीं है। सोच लो एक बार। हाँ नहीं आता है। पक्का? पक्का श्योर। मेरे हिसाब से आता है, आप अपने हिसाब से देखो। पक्की बात है? पक्का श्योर है। एक बार भी नहीं आता? ना। एक बार भी नहीं? नहीं आता। चलिए इन्होंने सही जवाब दिए तो इनको मिलती है एक टिकट, लग जाता है इनकी तरफ से। दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाई लगदाता इवेंट्स। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि 0 से लेकर 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है। ये कॉमन सेंस वाला सवाल था कि 0 से 100 के बीच में अल्फाबेट ए कितनी बार आता है। इसका जवाब जो है वो है कि एक बार भी अल्फाबेट ए नहीं आता। पर लोग अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमारे सवालों को समझते नहीं है, इसलिए उनके जवाब उनके गलत होते हैं। चलते कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक लोगों से टंग ट्विस्टर पूछेंगे, टंग ट्विस्टर उनको बोलने के लिए बोलेंगे। टंग ट्विस्टर हमारा आज का है 6 स्टिकी स्केलेटन्स। जी हाँ, 6 स्टिकी स्केलेटन्स हम लोगों को बोलेंगे 5 बार बोलने के लिए और जो बोलेंगे उनको गिफ्ट मिलेंगे लगदाता इवेंट की तरफ से। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं या नहीं। दोस्तों हमारे साथ लगदाता इवेंट्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने सोचा क्यों ना उनका भी कॉमन सेंस चेक किया जाए। आप में कॉमन सेंस है मैम? क्या ऑफ कोर्स कॉमन सेंस पक्का है आप में? हाँ पक्का है। एक टंग ट्विस्टर आपको बोलूंगा बोलने के लिए। ओके बोल पाएंगे? मे बी। आपने बोला 6 स्टिकी स्केलेटन्स 5 बार तेज। व्हाट? 6 स्टिकी स्केलेटन्स 5 बार? नहीं
नहीं ट्राई कीजिए ना, नहीं हो सकता। ट्राई करो मैम, हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं वापस? सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स नहीं होगा। हो जाएगा, ट्राई तो करो। नहीं होगा। ट्राई करो मैम। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स नहीं होगा। पक्का नहीं होगा? पक्का, श्योर। चलिए, इनको लग रहा है कि नहीं होगा। सर एक टंग ट्विस्टर बोलेंगे आपको बोलने के लिए, बोल पाएंगे? ट्राई करते हैं। सर आपने बोलना है सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, पांच बार। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, पांच बार बोलना था। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, गलत हो गया। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, सिक्स स्टिकी, रुक के बोल रहे हैं सर, तेज बोलना। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, ऐसे। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, गलत हो गया। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, गलत हो गया सर। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, गलत हो गया सर। नहीं बोल पा रहे, कैमरे में बोल दो। मैं नहीं बोल पा, नहीं मैं नहीं बोल पा रहा। सिक्स सिक्सटी, सिक्स स्टिकी, सिक्स स्टिकी, सिक्स स्किडी, सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, गलत हो गया सर। सिक्स, पांच बार बोला थे। सिक्स एक बार फिर से बोलिए। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, गलत हो गया सर। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, हाँ सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, पांच बार बोलना तेज तेज। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स, गलत हो गया सर। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, तेज बोलना तेज। अब सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, वो मेरे से नहीं हुआ सर। क्यों सर? प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही मेरी से, तो पांच बार कैसे बोलूंगा। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी, आप पॉज ले रहे हैं ना सर बीच में। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स ऐसे बोलना। इतनी देर सर आप बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। सिक्स स्टिकी स्केलेटन्स, पांच बार बोलना तेज। अच्छा पांच बार तेज बोल रहा है। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, गलत बोल रहे हैं। सिक्स स्टिकी स्केलेटन, 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 बोल दिया। बोल दिया। चलिए आपको सामने है, चलिए इनको भी मिल जाती है टिकट, एक लगता था इवेंट की तरफ से। सर एक टंग ट्विस्टर बोलना हमने, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, ठीक है, पांच बार बोलना तेज। पांच बार, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन, सिक्स स्टिकी स्केलेटन। चलिए आपने बोल दिया। हाँ बोल दिया। चलो गिफ्ट आपको मतलब अपनी तरफ से ही मिलने वाला है। हाँ चलिए ठीक है। दोस्तों आप देख रहे कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाई लगदाता इवेंट्स। आइए आपको ले चलते हैं हमारे विनर्स की तरफ, लकी विनर्स की तरफ, जिन्होंने सही वक्त पे अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और वो जीत चुके हैं लगदाता इवेंट्स की तरफ से 27 दिसंबर को होने वाले कॉन्सर्ट की एक एक टिकट। दोस्तों ये तो थे हमारे लकी विनर्स जो कि जीत चुके हैं एक एक टिकट लगदाता इवेंट्स की तरफ से। इन्होंने सिर्फ अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और ये लगदाता इवेंट्स की तरफ से 27 दिसंबर को होने वाले मेगा कॉन्सर्ट की एक टिकट जीत चुके हैं। आपको भी हम यही बोलेंगे कि इस कॉन्सर्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस कॉन्सर्ट में जरूर जाइए क्योंकि पहली बार जम्मू में इतने बड़े लेवल पे स्टार्स आ रहे हैं और इतना बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि 200 काउंटर्स पूरे जम्मू में लगे हैं जहां पर जाके आप इस कॉन्सर्ट की टिकट्स को खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और कॉमन सेंस का आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा ये आप हमें फेसबुक पे भी बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें लोकेशंस भी बता सकते हैं आप जहां पर आप चाहते हैं हम कॉमन सेंस आगे करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन सुनील को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।